एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा रहे, कराओ हमारे ऊपर एफआईआर, क्योंकि हम क्रिमिनल नहीं है इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई, हम भ्रष्ट नहीं है इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई, हमारे खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं है इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तुम लोगों ने सबको जेल में पहुंचाया, हमें भिजवा कर दिखाओ जाओ। मैं इस समय हूँ रॉकी राणा जी के साथ जो दिल्ली गौ रक्षा दल के अध्यक्ष हैं, पर ये गौ रक्षा के लिए जाने जाते हैं। जो चीज़ इनके बारे में लोगों को नहीं पता वो ये कि इनका एक पूरा उपचार केंद्र है जिसमें गाय बैल बछड़े भी हैं, बंदर हैं, डॉग है, इंग्लिश ब्रीड के डॉग भी हैं जो रोड पर लोग छोड़ देते हैं, घोड़ी भी आती हैं, गधे भी आ जाते हैं, हर जीव हर जंतु आता है यहाँ, और जिनका यहाँ पे उपचार होता है। अब जो ये सारी गाय बैल हैं इन सबको तो रॉकी भैया शिफ्ट करते हैं। एक सेकंड, मुझे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखानी है, फिर एक इंटरेस्टिंग चीज बतानी है, और फिर हम इनके उपचार केंद्र पे आएंगे कि वो कैसे काम करता है। जो मुझे यहाँ पे बहुत एक सही चीज दिखी वो ये महादेव का मंदिर, जिसमें शिवलिंग नंदी दोनों ऊपर करके लगाए गए हैं ताकि भाई जो महादेव के फेवरेट्स हैं वो यहाँ पे आ सकें और कोई इन्हें भगाए ना, भाई ऐसा नहीं है कि भगवान का तिरस्कार हो रहा है। मैं यहाँ पे आया भाई, मैंने देखा कि रॉकी भैया के बारे में बड़े सारे वीडियो आ रहे हैं। एक खबर आई किसने, हिंदुस्तान ललन टॉप पे, द हिंदुस्तान टाइम में, अखबार में और आज तक में काफी न्यूज चैनल काफी ट्वीट हुए मेरे खिलाफ, क्योंकि इन्होंने भाई गौ रक्षा के दौरान कुछ लोगों को पकड़ा हुआ था। एक बात बताइए, लोग जो है पशुओं को मार देते हैं भाई, गाय कट रही है सड़क पे, कुत्ते घसीट दिए गए, उसकी कोई खबर नहीं बनती, फिर कोई पशुओं की मदद कर रहा है, उन्हें खाना खिला रहा है, उन्हें लोग पीट देते हैं, उसकी खबर नहीं बनती, लेकिन इनकी खबर बनी और उसकी सच्चाई क्या है वो इस कमरे में। ऐसा होता है जब डॉग वॉलंटियर जब फीड कराते हैं तो उनको कोई लोग मारने लग जाते हैं, पीटने लग जाते हैं, डंडों से डॉग को मारते हैं, वॉलंटियर को भी मारते हैं। एक सेकंड सॉरी रॉकी, मेरे को पहले ना दिखाना है मुझे। हाँ। मुझे जब मैं इनसे मिलने आया मुझे था कि आपका खर्चा कहाँ से चलता है। हाँ। क्योंकि देखो भाई ये जो काम है ना हमारा, सबसे पहले मुझसे भी सवाल ये पूछा था आपका खर्चा कहाँ से चलता है। मैं कहता हूँ भाई भगवान की दया से हमारा चल जाता है खर्चा, हम अपने नॉन प्रॉफिट से कोई पैसा नहीं लेते बल्कि जेब से डालते ही होंगे। इन्होंने कहा जी इनका खर्चा है ही नहीं। अब ये बात ने मुझे बड़ी तकलीफ हुई तो इन्होंने मुझे अपना कमरा दिखाया। आप चलो आगे, ये मेरा रूम है, बस मैं यहीं रहता हूँ, यहाँ से उस कुर्सी पे, कुर्सी से गौ माता के और जानवरों के पास, ये फाइलें होती हैं और लैपटॉप है, सारी एफआईआर की कॉपी इसमें होती है, बस इतना ही, यही मेरी जिंदगी है। सुबह गाय से और शाम गाय को और रात को रोड पर गाय को बचाना, दिन में यहाँ पर गाय का इलाज करना, यही मेरी जिंदगी है 18 साल से। और घर बार आपने छोड़ रखा है? वो छोड़ ही रखा, देखते देखते तब पता चला कि अगर कुछ करना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना पड़ेगा तो 500 रुपए के पत्ते पर सेवा चालू हुई थी, आज 1 करोड़ से ऊपर हम लगा चुके हैं, वो सब आपकी मेहरबानी है, हमारे सर्कल की मेहरबानी। मेरी नहीं है, मैं तो एक बार डॉग फूड दिया था यहाँ पे भाई, मुझे था मैं एक बार देखूंगा, आंखों देखी बात अलग होती है जी। ये जो है ना, ये है जो इन्होंने एफआईआर कर रखी है, मतलब 1, 2, 10 एक साल की है, सिर्फ सन 2016 से लेके आप मेरे को 24 तक मांग सकते हैं एफआईआर किसी भी थाने की दिल्ली में, हर थाने की एफआईआर मेरे पास होगी, रिकॉर्ड होगा, बकायदा हमारे कोर्ट में केस भी चलते हैं कसाईयों के ऊपर, या यहाँ तक जिसने डॉग्स को मारकर दाबकर और वो गायब हो गया था उनको भी पकड़ कर लाया, और उन पर भी हमारे केस चल रहे हैं। खैर, इन्होंने करनी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ये बात यहाँ से विकासपुरी से बाबा साहब अम्बेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मेरे कॉलेज का नाम था और किंगफिशर एयरलाइंस में मैं जॉब भी करता था। ये बात यहाँ से खुली कहते हैं कि इन्होंने बड़ी फिल्मी बात करी, क्या कोई खराब होता रही लोग खराब बना देते हैं, क्यों कोई बुरा नहीं होता, ये दुनिया बनाती है तो हम बुरे नहीं है, हम हमारे अंदर इन जानवरों के प्रति दिल है तो हम वहाँ इंसानों को भी अपनी एम्बुलेंस में उठा कर लाते हैं और उससे ये नहीं पूछते कभी कि तू हिंदू है या मुस्लिम है, हम उसका इलाज कराते हैं। पर जब कोई राक्षस परिवर्ती का व्यक्ति तुम्हारे सामने तुम्हारी गाय को काट रहा है या डॉग्स को मार रहा है या उसको छुरी मार दी या उसको जेली मार दी तो उस समय हम चुप नहीं बैठेंगे, उसका एक्शन देंगे। इम्पोर्टेंट बात, डॉग हो गाय हो कोई भी हो, तो मैं कहता हूं मैं हिंदू हूँ ये हिंदू है, लेकिन भाई किसी की गाय से भावना इसलिए नहीं जुड़ी कि वो हिंदू है, सिर्फ पशु उसको दर्द तो होता है। खैर, मैं बोलना बंद करता हूँ, आप मुझे वो दिखाओ एफआईआर जिसका सारा माजरा था। मैं आपको रिकॉर्ड एक दिखाता हूँ, आपने एक मेरी वीडियो वायरल की थी और वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व उतर कर आ गए थे कि भैया आप इनका नेगेटिव प्रचार कर रहे हो, तो उसका ये है एफआईआर। एक सेकंड, आपने मतलब मैंने नहीं,
पब्लिक ने, पब्लिक ने मरेला में गाय काटते थे, जो आपने वीडियो भी डाला था, एक वीडियो डाला था आपने, दिखाया था कि ऐसे ऐसे मरेला हाँ। में गाय काटा गया है। तो उसका ये FIR है, आप पढ़ सकते हैं, मार्किंग भी किया हुआ है। 6 गायों के सिर व अवशेष पड़े हुए मिले, धारदार हथियार पड़े हुए थे। ये गायों की गर्दन कटी हुई है, ये जिंदा गाय खड़ी हुई है, ये गाय है उसमें की लोगों को कपड़े उतार रखे हैं, उन्हें बांध रखा ये है। यहाँ पर ये एक चाकू पड़ा है गाय के मांस पर, यहाँ एक चाकू पड़ा है, ये गाय की गर्दन है। और वो बस ये दिखाते हैं फोटो कि हमने इन लोगों के कपड़े उतार रखे हैं। भाई ये कपड़े उतार कर गायों को काटते हैं, स्लोटिंग करते हैं जानवरों को, हमने बांध भी रखा है, इनको बांध रखा है एक दूसरे से कि ये भागे ना और हमें चोट ना मार दे। अगर ये छुरी मेरे अंदर घुसा देंगे तो कोई डॉक्टर नहीं मुझे सिलने वाला, मरे जाऊंगा। ये है सच्चाइयां, सच्चाई ये है जो आपने वीडियो भी दिखाया। और वहां पर ये इतनी सारी गाय कटी हुई थी, लाइन में गायों की गर्दनें लगा रखी हैं। भाई हमारे पास तो ऑन रिकॉर्ड है, आप कभी भी आओ FIR दर्ज क्यों नहीं करा रहे, कराओ हमारे ऊपर FIR, क्योंकि हम क्रिमिनल नहीं है इसीलिए FIR दर्ज नहीं हुई, हम भ्रष्ट नहीं है इसीलिए FIR दर्ज नहीं हुई, हमारे खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं है इसलिए FIR दर्ज नहीं हुई। तुम लोगों ने सबको जेल में पहुंचाया, हम सच्चे एनिमल लवर हैं, सच्चे गोरक्षक हैं, हमें भिजवा कर दिखाओ। अब आपने इतनी FIR करा रखी है जी, उसका कोई रिजल्ट क्या निकलता है? कानून नहीं है दिल्ली में तो रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, रिजल्ट निकलता है यूपी में। अभी तो दिल्ली पुलिस ही इन लोगों से डरती है क्योंकि कानून नहीं है, उनकी नौकरी पे बात आ जाती है। यूपी पुलिस में एक्शन अच्छा होता है क्योंकि CM से ऑर्डर है किसी भी जानवर के साथ अगर गलत काम हुआ तो छोड़ा नहीं जाएगा। बाबा जी ने गोकशी करने वालों को, गोकशी करने वालों को एकदम अच्छे से पैक कर दिया है। तो गोकशी 80% ट्रक तो रोड से हट गए, अब रह गए सिर्फ वो जानवरों के ट्रक जिन पर वो नजर रख सकते हैं और उनको वैसे लीगली तौर पर हम पकड़ सकते हैं। तो वो जो आपने लोग डिक्की में भर रखे थे जी, वो भी एक फोटो बड़ी वायरल हो रही थी। हाँ वो बस वायरल हो रही है, वो डिक्की में डाल रखे हैं, वो कुछ ऐसी गाड़ियां होती हैं और ऐसी गाड़ियों में जब ये रोड से गाय उठा के इनके अंदर लेके जाते हैं, ये गाय खड़ी है ये अंदर गाय डालने लग रहा है और ये गाय उठाकर ले जाते हैं और कहीं पे भी गायों को काट कर फेंक जाते हैं और फिर हम उन पर FIR दर्ज कराते घूमते हैं। उसके बाद फिर पता नहीं कौन था, कैसे था, कहाँ था, उसका हमें पता करना होता है। तो वो एक केस था जहां फ्लाईओवर के ऊपर 7 गाड़ियों में गाय नहीं काट रहे थे बल्कि भैंस काट रहे थे, भैंस के बच्चे काट रहे थे, जो काटना अनलीगल है। गाड़ी के अंदर फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी को खराब करके दिखाकर गाड़ी बंद करके उसके अंदर 5 गाड़ियों में जानवरों को काट रहे थे जो भैंस के बच्चे थे। वो आदमी कम से कम 12 से 15 आदमी थे जो काटने वाले लोग थे, उन सब के हाथ में हथियार होता है और हमारे हाथ में होता है सिर्फ एक डंडा। तो हम लोगों ने उन जानवरों को बचाया भी, जिसमें से 1 गाड़ी के जानवर बच गए थे और बाकी के कट चुके थे, उन सब लोगों को पकड़ के बिठाया। उनमें से जिन लोगों ने मैन लोगों को बताया कि ये लोग मैन है, उन लोगों को अब खून में धसे हुए हैं, उनके यहाँ ब्लड है, यहाँ ब्लड है, हाथ में छुरी है, शरीर से बदबू आ रही है, तो मैं उनको अपनी गाड़ी में तो बिठाऊंगा नहीं, मैं तो भाई शाकाहारी हूँ। तो हमने उनको डिग्गी में इसलिए डाला था कि जब तक पुलिस आ जाएगी और जब तक इनको सेफली बचा कर रखो, पब्लिक से भी और अपने लोगों से भी कोई इनको हानि ना पहुंचा दे, ताकि उल्टी FIR दर्ज हम पर ना। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, रॉकी भैया ने कहा शाकाहारी है, ये वीगन नहीं है, मैं वीगन हूँ। तो हमारे हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हमारे हैं, पर मैं देखो इनके साथ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि ये काम ही ऐसा है, अगर हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे तो हम पशुओं को नहीं बचा पाएंगे। मेन बात यह है कि हमें इनका कष्ट कम करना करना होगा, वो एक होकर ही होगा। आपको पता है आज रोकी इस क्षेत्र में बैठा हुआ है तो आप बेझिझक 24 घंटे फोन कर सकते हैं, और यहाँ तक किसी जानवर के लिए भी नहीं दोस्त, अगर आप भी हमारे एरिया में कहीं पर किसी मुसीबत में है तो हम आपके लिए खड़े हम आपके गाड़ियां देखते हैं जी। मैं आपको तब तक एक बात बताता हूँ, ट्विटर पे रॉकी भैया के खिलाफ जिन्होंने मुहिम छेड़ी, उसमें से एक बंदे ने कुछ महीने पहले गाय की फोटो डाली, ऐसे जैसे यहाँ पे इनके उपचार केंद्र में गाय बैठी है ना, ऐसे सड़क पे गाय बैठी थी, और उस फोटो के नीचे जी उन्होंने लिखा कि अब इस प्रॉब्लम का समाधान बता दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर बताओ, ये तो मतलब पोक करने वाली बातें हैं, उनका समाधान क्या था कि भाई वो समाधान ये बताना चाह रहा था कि इन गायों को स्लॉटर हाउस भिजवा दो कटवाने के लिए, यूपी में तुम लोगों ने बैन करवा रखा है, क्यों भाई उनकी जिंदगी है, वो गायें भी जिए, गोचर भूमि तो तुम इंसानों ने कब्जा की है ना, जो पूरे भारत में गोचर भूमि आप लोगों ने कब्जा कर रखी, नेताओं ने कब्जा कर रखी, तो गायों की जानवरों की गलती नहीं है, वो इंसान की गलती कि तुम लोगों ने उनकी जमीनों पर बिल्डिंगें बनाई हैं और उसके लिए तुम लोगों ने जगह नहीं छोड़ी। आपको क्या पता वो वीगनिज्म नहीं सुझा रहे थे,
हाँ, हो सकता है कि उनका समाधान हो कि उनके आप जितने भी ट्वीट पढ़ेंगे और जितनी भी पोस्ट देखेंगे ना, उनका सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट होता है और कुछ टारगेट नहीं होता। ये पढ़े लिखे लोग भी गलत जाते हैं और बिन पढ़े लोग भी गलत जाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि भैया आज यहाँ पर ये जानवर कटेंगे, मैं नहीं चाहता ये कट जाए। वो भी तो मुसलमान होते हैं जो हमें बताते हैं कि यार ये कटेंगे, इनको बचा लो यार, हम नहीं चाहते ये कट जाएंगे, ये हमारी आंखों में देखकर कह रहे हैं। हाँ, ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं, फर्क अच्छे और बुरे क्या है ये नहीं है, पढ़े लिखे अनपढ़ की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। आज हिंदू गाय काट रहा होगा तो उसकी भी सिकाई होगी। हाँ, सिर्फ और राम और रावण की बात है। अगर राम भी गाय काटेगा तो हम उसको भी पकड़ेंगे, अगर रावण गाय काटेगा तो हम उसको भी पकड़ेंगे। तो ये इनकी गाड़ी है, ये थार है। अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जो मेरा वीडियो वो भी वायरल हो गया था। इसने वो जिस गोदाम के अंदर गाय काटते थे, अंदर दो गेट होते थे, तो इसने उन दो गेटों को तोड़ा था और तब हम उनको गाय काटते हुए पकड़ पाए थे। दो गाय काट दी थी और चार जिंदा खड़ी हुई थी, हम बचा पाए थे। ये मेरी एक करोला गाड़ी है जिसको स्क्रैच काफ़ी लगे रहते हैं, लोहे के गाटर होते हैं। और दिल्ली में जो गो तस्करी और गो हत्या होती है वो हाई मॉडल की गाड़ियों में होती है, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वो क्या करेंगे, किसी भी एरिया में एक राउंड लगाएंगे, तुरंत इस गाड़ी में एक गाय को डाला और लेकर 200 की स्पीड से भाग। एक सेकंड, इस गाड़ी में गाय को कैसे डाले आपको? इसमें वो दो दो गाय डाल ले जाते हैं, पीछे की सीट निकाल लेते हैं, डिग्गी बहुत बड़ी होती है, जब तीन आदमी आ सकते हैं तो गाय भी आ सकती है ना भैया। बछड़ा या गाय? गाय। वो इनको ले जाते हैं फिर जमुना के किनारे कहीं पे भी अंधेरा देख कर, वहां पर उस गाय को काट कर उस मांस को वापस डालकर और दुकान पर ले जाकर सेल कर दे। ये हमने 5 साल इस गाड़ी को चलाया, फ्री सर्विस में दिल्ली में चलाया, हमने आज तक किसी से एक रुपया जानवर उठाने का नहीं लिया। अब हम इनका उपचार केंद्र देखने चलते हैं। मैं आपको एक दो बातें बताऊं जो मुझे लगा यहाँ पे आके, कि इनका जो काम है वो ये अच्छे से दर्शा नहीं रहे। मैं मुंबई कह रहा हूँ आपके, काम अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छे से दिखा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि कोई बंदा नहीं है जो वीडियो बनाए दिखाए। तो आप इनके साथ जुड़ो, जुड़ने का मतलब ये नहीं है। अब जैसे मेरे जैसा बंदा है, मुझे नहीं लगता कि शायद मैं यू नो गाड़ी में बैठ के हाई स्पीड चेज कर सकता हूँ। भाई हर किसी का अलग वो स्किल सेट है ना। पुलिस वाले भी नहीं बैठते हमारी गाड़ी में, वो अपनी गाड़ी में चलते हैं। मेरे को तो लगता नहीं शिवानी मुझे जाने देगी, इन्होंने तो शादी करी नहीं है ना। तो आपको मदद करनी है, आप वीडियो बना सकते हो, आप आओ सोशल मीडिया कर सकते हो, आओ केसेस को दिखाओ ताकि इनके साथ और लोग जुड़े। ये बाय द वे मिट्टी इसलिए है क्योंकि गाय लगे ना, गले ना जल्दी से, कोई ज्यादा समय वो बिता सके, खा पी सके आराम से, और लेटी लेटी अगर वो कहीं पे गड्ढा करना चाहती है तो कर सके। और ये मिट्टी गोबर के साथ निकलती जाएगी तो ये इनको दोबारा दोबारा डालनी पड़ती है। दिल्ली में बवाना क्षेत्र में रहता हूँ, यहाँ पर अगर आपको कोई भी गाय या डॉग बीमार दिखाई देता है तो बवाना क्षेत्र में आप मेरे को बताएं, मैं 24 घंटे अवेलेबल रहूंगा बवाना क्षेत्र के, क्योंकि दिल्ली तो बहुत बड़ी है पर वहाँ पर अदर एम्बुलेंस है। यहाँ पे पैरावेट बैठते हैं तो वो इलाज करते हैं। इन्होंने म्यूजिक भी लगा रखा है गाय के लिए, ये आप थोड़ी देर म्यूजिक बंद कर सकते हैं? बंद कर दो। ये डॉग है बेचारा, इसका भी इलाज हो रहा है, उसमें डॉग है उसका भी इलाज हो रहा है, पैरालाइज्ड डॉग भी है। रॉकी भी एक चीज में जो कमजोर है ना, ये पशुओं के नाम नहीं रखते, ये भाई काम में व्यस्त है, मजदूरी भी करनी है, गाड़ी के पीछे भागना है, FIR भी करानी है, लड़ाई झगड़े भी जाना है, थाने में भी जाना है, खुद दवाइयाँ भी लानी है, खुद केस भी उठा कर लाने हैं, यहाँ के मैनेजमेंट को भी देखना है, इनको भी पूरे दिन डांटते रहना है, पूरा डरा कर धमका के रखना पड़ता है कि इनकी सेवा कर सके। ऐसे हमारे फोटो लगे हुए, कहाँ पर क्या लगना है, क्या होना है, कोई किसी जानवर के साथ गलत काम तो नहीं हो रहा, गलत ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा। अभी विजिट पे भी डॉक्टर आता है एक शाम को, वो भी आएगा, काफी चीजें देखनी पड़ती है। एक सेकंड के हम क्यूट ब्रेक लेंगे। बारी यह टाइगर, टाइगर तो बिल्कुल ही बिल्कुल टाइगर टाइप पर्सनालिटी नहीं है। ये हमारा प्यारा सा डॉग है, इसके पूरे कान में मैगेट से इसके एरिया में, और इसको पकड़ते वक्त हम उस समय पे डरते थे कि यार काट ना ले, क्योंकि डॉग्स का तो मैं ज्यादा करता नहीं हूँ, पर जब देखा इसको लाया, इसका इलाज किया तो ये इतना फ्रेंडली है कि इसको गले से लगा लो। ये डॉग आया, इसके पीछे देखो बड़ी, मतलब कि डॉग है हमारे पास, दिखाने को डॉग नहीं है हमारे पास, पर अगर ऐसे धीरे धीरे आपको कोई ना कोई हर आध घंटे में एक नया केस अपने आप आकर मिलता रहेगा इस तरीके से। एक और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस मेरा, ये स्टरलाइजेशन नहीं कराते भाई, अननेचुरल है। तो अब उस विषय में तो मैं इनसे आराम से कभी और चर्चा करूंगा। ये गाय के पैर में चोट थी, ये गाय के पीछे मैगेट से कीड़े भरे हुए थे, ये दोनों अंधी है, इनको दिखता नहीं है, इसको ट्यूमर हो गया था और इसको हम UP से लेके आए थे काफी दूर से, क्योंकि इसको कोई रेस्क्यू नहीं कर रहा। ये हमारी सूफी गौ माता है, पूजनीय गौ माता होती है हमारी, और हम इससे ही सब कुछ मांगते हैं, मैया इस चीज की जरूरत है, ये समस्या आ रही है, फलाना व्यक्ति परेशान कर रहा है, ये राक्षस हमारे बीच में आ गया, ये पुलिस वाला है, आज हम इतनी बड़ी रेड पर जा रहे हैं, हो सकता है मैं सुबह
जिंदा ना लौटूं, तो अपने ध्यान रखना हम पर, हम बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये बात भाई थोड़ी अटपटी लगे, भाई हम में से कई लोग ज्यादा मॉडर्न होते हैं, इन चीजों में विश्वास नहीं करते, पर बात यह है कि भाई जिस बंदे ने, उसके पास कुछ नहीं था, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने खुद से सब शुरू किया, इतने लोगों से रंजिश मोल ली, फिर भी वो कर रहे हैं ये चीज, और ऐसे काम बिना आस्था के कर ही नहीं सकता कोई। और इनकी आत्मा ही आप लोगों के साथ जुड़ी है, चाहे वो डॉग्स हो चाहे वो गाय हो, इनकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आपके साथ मिलकर काम करती है, और आप हमेशा विजय प्राप्ति करेंगे। पर आपके अंदर मैल नहीं होना चाहिए, आप गलत नहीं होने चाहिए, तो आप किसी भी चीज से पार निकल जाओगे। और आप देख लीजिए मेरे पीछे, ना वकील है, ना गनमैन है, ना कुछ है, हजारों एफआईआर दर्ज करा रखी है 16 से लेकर 24 तक, मेरे साथ कुछ नहीं, नॉर्मल रहता हूँ, कुछ भी नहीं, ठीक है। वरना मेरे जैसे पद पे आने के बाद बड़े बड़े अक्षरों में गोरक्षा दल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष प्रधान लिखकर बत्तियां और गनमैन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, जैसे भैया नॉर्मल है वैसे मैं नॉर्मल रहता हूँ, मेरी लाइफ मस्त है इनके साथ, इनकी सेवा में सुबह और रात को बहुत असरों के पीछे। तो अब आप इसको क्या कह लो, आप कह लो गौ माता कह लो, आप भगवान कह लो, आप कह लो कि ब्लेसिंग्स हैं, या कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ गलत नहीं होगा, आप इसको ये कह लो, चले देखें जो आपका नेक्स्ट प्लान है। नेक्स्ट प्लान अभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि नहीं दिखाएंगे, हाँ, नेक्स्ट प्लान अभी नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि तैयार करने के बाद कुछ है अभी प्रॉब्लम। अच्छा जरूर, ठीक है, अगली बार के लिए। ये एक और आ गया, देखो हर मिनट में मैं बता रहा हूँ ना, जितना भी घूमेंगे ना एक केस नया दिखता ही रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बांध के नहीं रखते, हमारे यहाँ हम इनको ठीक होने के बाद छोड़ देते हैं कि भाई तू यहीं रुकेगा, तेरा दिल लग गया है तो खा पी मस्त रहे, आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये डॉग्स को रेस्क्यू करके नहीं लाते, किसी को रिकवरी सेंटर की जरूरत हो तो ये उस केस को ले लेते हैं, जब ठीक हो जाता है तो ये कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति डॉग को वहाँ छोड़ दे, नहीं तो फिर वो डॉग यहीं का परमानेंट बाशिंदा बन जाता है। वो सामने है भैंस, इसका पीछे का पैर आप देखेंगे सीधा है, और इसको फिर हम अपने पास ही लेकर आए, ये सीधा इसलिए ना फ्रैक्चर हुआ होगा और वो जुड़ गया, हो गया सीधा जुड़ गया, तो इसको चलते ट्रक से उन्होंने हमारे ऊपर फेंका था। एक सेकंड, चलते ट्रक से आपके ऊपर भैंस फेंक, हमारी गाड़ी के ऊपर फेंका था ताकि हमारी गाड़ी पलट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या इसी जानवर के ऊपर चढ़ जाए और हम मर जाए या ये मर जाए, पर हमने इसको भी बचाया और अपने आप को भी बचाया, और इसको तुरंत जो है हम रेस्क्यू कर कर ले आए। अगर आपको कोई डॉग अडॉप्ट करना है तो यहाँ पे बड़े सारे देसी डॉग्स भी हैं, बड़े सारे ब्रीड डॉग्स भी इधर उधर घूम रहे हैं, भाई मैं तो वैसे कहता हूँ देसी लोग देसी डॉग, पर ये कोई ब्रीड डॉग्स वही है ना जो अबैंडन्ड थे, तो हम कहेंगे रेस्क्यूड इज द बेस्ट ब्रीड, तो यहाँ से आप कोई भी रेस्क्यूड डॉग जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। इसका बजरंगी नाम है हमारे का, बजरंगी। अच्छा, ये आया था जब इसको यहाँ पर टाके लगे हुए थे, चोट लगी हुई थी, बड़ा छोटा सा बच्चा आया था, पर अब हम इसको कहीं छोड़ नहीं सकते, और बंदर हम छोड़ देते हैं वो अपना एडजस्ट कर लेते हैं, ये नहीं कर पाया, ये बच्चा है। एक चीज़ इतनी सीरियस बात है, एक फनी बात, ये जो उपले हैं ना ये खुद नहीं बना रहे, इनके पास टनों टन गोबर है, लेकिन ये अपने हुक्का पीने के लिए उपले जो हैं खरीदते हैं, क्योंकि भाई गोबर तो है लेकिन गोबर का उपला बनाने का समय नहीं है। भाई बात वही है ना कि आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते।